नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन यूजीसी नेट जेआरएफ 2019 इतिहास भाग 10 में, जिसकी परीक्षा जो है जून में होने जा रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 9 में जो है आपको 25 क्वेश्चन पढ़ने, उसी से आगे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें विदेशी यात्रियों किसके शासनकाल में थे मिलाने के लिए दिया गया। इसमें चलिए देखते हैं, अब्दुल रज्जाक, ये आया था देवराय द्वितीय के समय, यानी ये का फोर। इब्न बतूता, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सीदी अली रईस, ये आए थे अकबर के समय में। और विलियम फिंच आए थे जहांगीर के समय में। क्वेश्चन नंबर 27, मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, इसमें अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, सही है ये। इसके बाद जो है अकबर ने 1575 में जजिया कर को पुनः लागू किया था। इसके बाद दिया है इसमें, अकबर ने 1579 में जजिया कर को पुनः जो है समाप्त किया था। और इसके बाद जो है औरंगजेब 1500 में पुनः जजिया कर जो है लागू किया था, 1679 में औरंगजेब। इस हिसाब से इसका आंसर आपका चारों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आंसर आपका देखिए होगा 12 सूबों का सृजन, ये सही है। इसके बाद जो है अकबर द्वारा उड़ीसा विजय, ये भी सही है। और इसके बाद जो है दाग प्रथा की शुरुआत, दाग प्रथा की शुरुआत हुई, यानी क्रम से इसमें मिलाना है। सबसे पहले जो है 12 सूबों का, उसके बाद जो है आपका आ जाएगा दूसरे नंबर अकबर की उड़ीसा विजय, यानी 3, इसके बाद 1, यानी ए इसमें सही होगा। उसके बाद आपका ये हो जाएगा तीसरे नंबर दाग पर था, और चौथे नंबर पर दैन शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। ये चित्रकार थे अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, यानी 1 और 3, यानी बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया, किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया। तो इसका देखिए इसमें होगा अहोम और कूच, यानी 3 और 4, इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कूट मिलाने के लिए दिया गया है गुलशन ए इब्राहिमी, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर मोहम्मद कासिम फरिश्ता। इसके बाद बसातीन उसालतीन, तो इसका हो जाएगा आप जो है बी का गुलाम मुर्तजा। इसके बाद फुतुहात ए आदिल शाही, तो इसका हो जाएगा फुजनी अस्तरवादी, यानी 2 नंबर। नुस्खा ए दिलखुशा, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर भीम सेन। क्वेश्चन नंबर 32, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें अर्ली मुगल पेंटिंग, ये जो है मिलो क्विनलैंड के बीच है क्या है, यानी 1 का 3rd नंबर। ए हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर, इसका आंसर हो जाएगा ये बी का 4 नंबर आरनाथ। सी मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क्स, तो इसका आ जाएगा आपका जो है सोम प्रकाश वर्मा का है, यानी सी का 1। इसके बाद मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट 1526 से 1858, ये है एब्बा कोच का।
क्वेश्चन नंबर 33, कथन और कारण से इसमें, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा गया है के शौकीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए आर, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, इस हिसाब से इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, कथन कारण से है, शाहजहां के शासनकाल में संगीत एवं नृत्य कलाएं अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। कारण है वह कलाओं एवं साहित्य का संरक्षक था। इसमें आंसर हो जाएगा ए असत्य है किंतु आर सही है, यानी डी सही होगा इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य राष्ट्र राज्य नहीं था, राष्ट्र राज्य नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 36 कथन कारण से है, 1793 में बंगाल में लागू किए गए अस्थाई बंदोबस्त की मूलभूत बात थी सदैव के लिए कर निर्धारण करना, और कारण है इसमें कार्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कलकत्ता के कोर्ट ऑफ विलियम का प्रथम सभापति कौन था, कलकत्ता के फोर्ट ऑफ विलियम, कोर्ट सारी बोल दिए थे सारी, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था, तो प्रथम सभापति था इसका आंसर होगा ए चार्ल्स आयर। क्वेश्चन नंबर 38 कूट मिलाने के लिए दिया गया है, इंडियन मिरर ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखा है, ये लिखे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ट्रिब्यून दयाल सिंह लिखे हैं, मॉडर्न रिव्यू ये लिखे हैं जीए नटेशन, और इंडिपेंडेंट इंडिया ये लिखे हैं एमएन राय। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें कूट मिलाने के लिए दिया गया है, महात्मा गांधी ये जो किए थे, चार नंबर है, बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, दादा भाई नरोजी ये जो है कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें सुमेलित करना है, ये भी क्वेश्चन है, बी डी सवारकर अभिनय भारत से रिलेटेड थे, लाला हरदयाल, गदर पार्टी, तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान, मदनलाल डिगरा, कर्जन विली। क्वेश्चन नंबर 41 कौन से जिले मद्रास प्रेसिडेंसी में उत्तरी सरकार के थे, तो ये थे मुस्तफा नगर, इसके बाद एल्लोर और राजमुंद्री और चिकाकोल, यानी सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था क्या उद्देश्य था, इसका आंसर होगा आपका बी, यानी भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1936 का लेखक कौन था, तो लेखक थे एम विश्वेश्वरैया, यानी बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कथन और कारण से है, अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ किया, कारण है वे भारतीयों को वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते थे, यानी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें होगा सबसे पहले द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यानी एक नंबर पर, इसके बाद होगा देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच किया गया था,
इसके बाद दूसरे नंबर पर होगा तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, ये दूसरे नंबर, ये हुआ था 1790 से 92 के बीच, यानी तीन नंबर उसके बाद दो नंबर, तो तीन नंबर पहले, इसी में आपका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अंग्रेज मराठा 1803 में युद्ध हुआ था, तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर हुआ था आपका प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। इस क्रम से आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन निम्न कूटों में से कीजिए। तो देखिए, इसमें संथाल विद्रोह पहले नंबर पर था, ये, इसके बाद दक्कन दंगे दूसरे नंबर पर, यानी पहले दो नंबर इसके बाद चार नंबर, तो दो नंबर चार नंबर का देखिए, यानी डी इसमें सही होगा। इसके बाद आपका ये तीन नंबर हो जाएगा और ये हो जाएगा चार नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, गौर अच्छी सभा, इसमें कूट मिलाने के लिए दिया गया है, सम्मिलित करने के लिए, तो ये दयानंद सरस्वती से रफ्त गुफ्तार जेवी वाचा साधारण ब्रह्म समाज, ये शिवनाथ शास्त्री से हैं, और प्रबुद्ध भारत ये जो है विवेकानंद से। क्वेश्चन नंबर 48, कालक्रम में इसे व्यवस्थित करना है, तो इसमें देखिए सबसे पहले होगा आपका साइमन आयोग 1927 में, इसके बाद गांधी यूरिन समझौता हुआ था 1931 में, यानी पहले तीन नंबर उसके बाद दो नंबर, इसके हिसाब से इसका आंसर होगा डी, यानी तीन नंबर उसके बाद दो नंबर। उसके बाद एक नंबर है क्रिप्स मिशन 1942 में, और भारत विभाजन जो है 1947 में, यानी इस हिसाब से इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रिटिश शासन में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो ये था आंसर आपका रोलेट एक्ट, जो 1919 में जो है लागू किया गया था, इन्हीं लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी, इसको काला कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है, असाधारण मंडी की शुरुआत का संबंध है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वॉल स्ट्रीट में कीमतों का गिरना। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटे को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।